मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मीटर रीडर को बेरहमी से पीटा गया है। दरअसल उपभोक्ता ने ज्यादा बिल आने पर मीटर रीडर पर गलत और ज्यादा रीडिंग लेने का आरोप लगाया है। उसे सड़क पर खींचा और पेट में घुसे और चांटे मारे हैं। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो भी बना लिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर संभागीय मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर हमलावर को गिरफ्तार करने की मांग की है। मेरा LG 7 फीटर लगता है, उसकी अपन रीडिंग ले रहा था। रीडिंग लेते समय सर एक उसका जीनियस का मीटर था, उसका एक आखिरी अक्षर कट रहा था। वो यानी 9 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने उसको 9 कर दिया था। उसके 15 मिनट बाद मैंने बिल उधर लगा के आ रहा था, वापस आ रहा था गली में, तो ये बोल रहा था कंज्यूमर, उसने आपने रीडिंग मेरी ली थे ली क्यों? वो वहाँ पर गाली गलौज देने लगा था। फिर मैं वहाँ से निकल आया, फिर मैं मेन रोड पर आ गया था। उधर पीछे से आगे 2-3 लोग थे, वो लोग उनने आके मेरे को घेरने के बाद मेरी बस कुछ नहीं किया था, उनने बस आके दीवाले भी दीवार में मारा था, मेरी मशीन भी फूट गई। शासन प्रशासन से मांगे हैं कि जो हमारे मीटर के साथ घटित घटना हुई है, उक्त आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से, माननीय ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश शासन से हम मांग करते हैं, हमारा संगठन मांग करता है कि हम विद्युत कर्मचारियों को प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जो कि हम बरसों से जो इस मांग कर रहे हैं और आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं।